अभी अभी नहा लिया थी कनी, ऊपर देखो सर्दी मुझे भी लग रही है दीखो को देखकर। अस्सलाम वालेकुम जी बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब भी ठीक है, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। आज ही है संडे तो काम वगैरह सारा कर लिया है हमने। अब हदीका की, क्योंकि वो सिक्स क्लास में चली गई है ना, अब वो स्कूल में दूसरे स्कूल में चली गया, तो उसका यूनिफॉर्म सीना था, तो इसलिए अब सिलाई के लिए बैठ गई हूँ। हाँ जी, हदीका का जी नया यूनिफॉर्म वगैरह ले लिया है। ये रही हदीका, सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, माशाल्लाह। तो हदीका चली गई है जी नए स्कूल में, और नए स्कूल की जी ना उसकी जो यूनिफॉर्म है वो तैयार हो रही है। क्योंकि वो दो तीन दिन से कह रही थी कि मुझे सिलाई करके दें, मैंने कहा संडे को सी ली, क्योंकि ऐशा को और हमना को वो हदीका संभाल लेगी, तो मैं इसकी यूनिफॉर्म सिलाई कर रही थी। हाँ जी, हंस रही है। और हम ना रह रही जी वो वो रहे जी हमना, सलाम कर लो आप। सलाम किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पूछ लो, पूछो, आप ठीक हो? आप ठीक हो, पूछो। नहीं जी, वो खेल रही है। और ऐशा जी कल की तरह कल भी सोई हुई थी, दिखाया था आपको? नहीं, कल तो जाग रही थी, कल खेल रही थी हमारे साथ, मेरे साथ खेल रही थी, अभी ये सोई हुई है। और जितनी देर ये सोई रहेगी तो कबीर की मम्मा जो है ना, इसकी मम्मा यानी ऐशा की मम्मा, ये सुकून से काम कर लेंगी। हाँ जी, क्योंकि सीना है ना यूनिफॉर्म है ये हायर का, हायर का हायर में है ना, अब चली गई है स्कूल हायर का, सरकारी स्कूल बोलो हायर का, गवर्नमेंट स्कूल की जो है ना ये यूनिफॉर्म है। हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल की ये यूनिफॉर्म है। अभी हदीका को जो है ना गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल करा दिया है, छठी क्लास से। अभी पाँच तक इसने प्राइवेट पढ़ा, और अभी छठी क्लास से ये सरकारी स्कूल में चली गई है। अभी अभी जी बन जाएगा, है ना? बस थोड़ी देर में बन जाएगा। चलो ये मुकम्मल करो, ये वीडियो के अंदर दिखाना है, बस मुकम्मल हो जाता है अभी। वो उसी के साथ वीडियो भी खत्म कर देंगे। हाँ, अरे यहाँ क्या हुआ? अम्मी की बच्ची, अम्मी की बच्ची क्या हुआ? गई ना, आपके पीछे खड़ी थी। हाँ, वही बता, क्या हुआ? क्या हुआ, किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? हाँ, किसने मारा? भैया हट जा, भैया भैया नहीं हटता, भैया मारता भी है, भैया मारता भी है, भैया हटता भी नहीं है। क्या है? क्या हुआ, क्या हुआ? कबीर जी ने ना कबीर बोरी, कबीर बोरी है, हटता नहीं है यहाँ से। कबीर हट जा, तू खड़ी रहे। गया, ये सब सब सबसे ज़्यादा कबीर के साथ खेलती है, सबसे ज़्यादा। पर इसको इंतज़ार होता है कबीर कब जो है ना छुट्टी हो स्कूल से और कबीर वापस आ जाए। तो छोटा है ना, वो भी उसका इंतज़ार करते रहे कि आए तो खेलें। हाँ जी, वो भी अभी छोटा है तो वो भी खेलता है, तो इनका जो टाइम पास है ना वो अच्छा होता रहता है। जी अबू, हाँ नहीं हटती, मतलब कि उसके साथ खेले। गुदगुदी करता है, आप भी कर दो, जाओ कर दो, जाओ कर दो, कर दो, कर दो, करने दो ना उसको, पकड़ते क्यों हो फिर? आप क्यों पकड़ते उसको? करने दो उसको फिर, जाओ कर लो, जाओ, नहीं नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा। हाँ, ये उसको गुदगुदी कर रही है, जाओ करो अभी, दोबारा कर दो, दोबारा कर दो, जाओ जाओ जाओ, शाबाश, जाओ जाओ, कर दो गुदगुदी। कर दो ना गुदगुदी, करो। Okay.
तो कल जी देसी माँ देख ली थी, अब भी देख ली अब भी देख ली देसी माँ। ये जो थी ये देसी माँ है, और देसी माँओं के देसी बच्चे चलते फिरते फीडर वीडर भी पीते रहते हैं। देसी फैमिली में ये होता है, ये फीडर भी पीते रहेगी। अब वो नीचे गया है अपना कुछ काम, ये भी उसके पीछे जा रही है। अब इनको क्या करें, बांध के रखे? नहीं बांध सकते भाई इनको। तौबा तौबा, मेरी तौबा भाई आप लोगों से। हदीका हदीका को सर्दी लग गई, सर्दी लग गई हदीका को। सर्दी लग गई, अभी अभी नहा लिया। बात नहीं कर रही, बात नहीं कर रही। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अभी अभी नहा लिया दीका ने। ऊपर देखो, सर्दी मुझे भी लग रही है दीका को देखकर। कुछ बात तो करो। सलाम कर लिया उसने। वो सर्दी बात तो करो, अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, हवा चल रही है ना, वो दिन तो निकला हुआ है। बोलो ना कुछ। नहीं बोला जा रहा, क्यों नहीं बोला जा रहा? ऊपर देखो ना। बताओ, ठंडी हवा है जी। वैसे ताज़ा फ्रेश पानी मोटर का, ताज़ी अभी मोटर चला के ना, ताज़ा फ्रेश पानी से ही नहाया इसने। लेकिन अभी 5-10 मिनट धूप पे बैठेगी तो बिल्कुल यस हो जाएगी। तो ये होता है जी हमारा देसी हीटर। विलेज वालों का देसी हीटर ये होता है। कौन से गीज़र की ज़रूरत है, कौन सा ये करना, कौन सा वो करना। ताज़ा पानी मोटर चलाई, पानी भरा या नलका चलाया, फ्रेश पानी निकाला, नहा के 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए धूप पे बैठते हैं, सारी सर्दी ख़त्म। अब देख लें उस तरफ, देख लिया, अब इस तरफ भी देख लें, ये भी मुकाबला हो रहा है। अब यही चीज़ों को तो आप लोग मिस करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है आप लोग मिस करते हैं ऐसी चीज़ों को कि नहीं मिस करते। अब वो जा रहा है गुसल खाने में, वाशरूम में नहाने के लिए कपड़े वगैरह चेंज करे। ये कहती है मैंने नहाना है, सर्दी है बेटा। और यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर नहीं नहा लो, गुसल खाने के अंदर नहाओ वरना कपड़े गीले कर देगा ना, चलो नहा लेगा। तो अभी वो उसके पीछे, वो कहती है कि नहीं मैंने भी नहाना है, क्योंकि उसको हम नहलाने से मना कर रहे हैं कि तुम नहीं नहाओ। आ जाओ अब भाई को नहाने दो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ अभी जा बोरी, वन वन जा बोरी जा, वन वन। देसी बच्चे जी, देसी बच्चे। आपको पता है जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, आप लोगों में से किस किस की ये आदत है मुझे बताना। हदीका जैसे ही नहा के आती है ना, हदीका को भूख लग जाती है। हदीका अभी अभी नहा के आई, 5 मिनट नहीं बैठी, उसको भूख लग गई। और किसको भूख लगती है? वैसे खा के आ रही हूँ, दिखाओ ऊपर करो, कैमरे के नज़दीक करो, नज़दीक नज़दीक करो। मुंगरे होते उर्दू में कहते हैं मीम से, उर्दू में मीम के साथ मुंगरे, मीम नून गाफ रे और बड़ी है जो लंबे वाली होती है वो वाली मुंगरे, ठीक है ना। और सरेकी में कहते हैं बुंगरे, ये होते हैं जी वो क्या मुंगरे। वैसे जिनको पता वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता, जो आप मूलियाँ खाते हैं ना, मूली के ये फलियां होती हैं, मूली की फलियां, ये वो है। कितनी भूख लगती है रोजाना, हर मरतबा ऐसी भूख लगती है जी। ये वैसे मैं हदीका से कंफर्म करके आप लोगों को बता रहा था, हदीका जब भी नहा के आती है ना, जब भी नहाए तो इसको भूख लग जाती है, फौरन नहा के 5 मिनट के बाद खाना खाती है। दे बोरिए दही, दे बोरिए दही, दे मुझे ये दही की दुश्मन है, इसने देख लिया, देख ले। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमना के सामने दही हो और हमना दही को छोड़कर बाकी चीज़ें खा ले। हमना के सामने दुनिया की कोई भी चीज़ रख दें, साथ में दही रख दें, सब चीज़ें छोड़ देगी, दही उठा लेगी। ये हमना की फितरत है। तो बेटा उसको दे दो ना, उसको एक घूंट भरने दो, कटोरी दे दो उसको, मुंगरी दे जा, मेरा पुत्र दे जा, मुंगरी दे जा उनको। नहीं उसने पीना है वो कुछ नहीं। और जी ये वाले जो है ना, जैसे सुहांजना लाजवाब चीज होती है ना, एक तो सुहांजना, एक ये मुंगरे, कचनार और सूखा हुआ साग है ना,
हाँ जी, सूखा साग, और फिर और क्या होता है वो क्या कहते हैं, जैसे शलजम सूखे हुए, हमने भी कचनार का वो क्या पौधा लगाना है, फिर दरख्त बड़ा होगा ना। हाँ जी, तो ये चीज़ें जी विलेज की जो है ना एक लाजवाब चीज़ें होती हैं, तो इन्हें कौन कौन मिस करता है इसके बारे में ज़रा कमेंट कीजिएगा। लाइट चली गई थी इसलिए बेगम साहिबा ने वो कमीज़ मुकम्मल नहीं किया और इसको नहलाना शुरू कर दिया और इसको छुपा के बिठा दिया। क्या ना करूं? पता नहीं कुछ कह रही है, समझ में नहीं आ रहा। और वो देखें जी, देसी फैमिली के देसी बच्चे, देसी बच्चे जी अपनी जुएं निकाल रहे हैं। कितनी जुएं हैं? हाँ नहीं, ओहो हो हो हो, हफ्ते में एक बार जी, वो भी संडे वाले दिन ये सारा काम मुकम्मल करना होता है। कबीर कमीज पहन लो ना, ऐसी धूप में खाली नहीं बैठना, कमीज पहन के बैठो, ठंडी हवा चल रही है। चलो नहा तो लिया ना इसने, कितने 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 जुमे, वाह कहाँ है, वाकई है जी वाकई है। कोई कोई है, दादी नहीं। ये जी देसी तरीका, देसी माँ के देसी तरीके जी। अभी आज का टाइटल भी देसी माँ ही जाएगा, तुम्हारे सारे देसी काम। देसी काम जो हमारा हमारा जो माहौल है वैसे ही हम काम करेंगे। जाओ ना ढूंढ के लाना, जाकर ढूंढेगा तो मिलेगी, जाके ढूंढ ले। जी ऐशा भी उठ गई है और दीदी इधर से नजर आ रहे हैं ना, आपने घुमा दिया। तो ये रहा जी इसका नया डिजाइन बनाया अभी अभी बेगम साहिबा ने, ये देख लें। शुक्र है कि आराम से बैठी रही, आराम से बैठी रही। अस डिजाइन तो दिखाओ, फूल तो दिखाओ, अपने फूल दिखाओ। पोनी है मैं दिखा रहा हूँ, वो समझती है कि मुंह दिखाना है। तो ये है जी, थोड़ा सा सर को तो रोक दो, सर को तो रोक दो हम ना। तो देख लें जी अगर कुछ सही नज़र आ रहा है तो, ये वाला डिज़ाइन इसका बना दिया है। लें जी, पीछे से बाल वही खड़े हुए हैं जैसे पुराने ज़माने में बड़े बड़े पहलवान होते थे ना, पीछे से बड़े बड़े बाल रखते थे वैसे ही। और यहाँ पर इसकी ये पुनी मुनी है और आगे से कुछ ऐसे लग रही है। तो बाबा को दिखाओ, इधर देखो हाँ, दांत, वो समझती है कि दांत दिखाने। ऐशा जी उठ गई है, बेगम साहिबा भी, और बस इसकी तैयारी वारी होगी, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। ऐशा को अभी अभी उठाया, झूले से निकाला है और सारे काम वगैरह मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन वो कमीज़ हदीका का मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि लाइट चली गई थी, बस उसका गला लगाना बाकी है, सिर्फ गला लगाना बाकी है, बाकी मुकम्मल हो चुका है। तो वो क्योंकि वो प्रेस का काम है ना, इस्त्री का, तो इस वजह से जो है ना वो ठीक नहीं आ रहा। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोगों ने हमना के बालों का डिज़ाइन बताना है कि हमना के बालों का डिज़ाइन कैसा लगा, हदीका की सर्दी कैसी लगी, हदीका का खाना कैसे लगा, और बकिया जो काम वगैरह हैं वो आप लोगों को कैसे लगे, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि वीडियो को बराए मेहरबानी मुकम्मल देखा करें। तो इसी के साथ ही, हाँ जी इसी के साथ ही ये वाली वीडियो भी ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है जी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इधर देखो, अल्लाह हाफिज़ करो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर देख के करो, उधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे देखो, ऐसे अल्लाह हाफिज़। नहीं वो बोली आप नहीं करो अल्लाह हाफिज़, वो कहती अल्लाह हाफिज़ मैंने करना है, इस वजह से उसको मना कर रही है।